साथी यहाँ से अपन जीवन के समर्पित कर देना कंप्लीट रूप से अपन नौकरी पैसा छोड़कर थोड़ा खातिर लगातार सेवा किया पप्पू यादव। पप्पू यादव तोर बेटा हर घर में बहन 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 ये आसमा कवि जिसको झांसी किनारी कह जाते हैं पूरा पूरा लखनऊ अकेले 24 जनवरी 70 केस पर कोरोना डायरिया में रक्त पुरस्कार मिला लेकिन थकी नहीं साईं बाबा बचाने की लड़ाई में लाठी खाई लेकिन डूबी नहीं। मैं वो आई इनसे के लिए क्यों पप्पू पप्पू इसीलिए कि आपने जन्म दिया पप्पू इसीलिए कि आपके हर दुख में पप्पू कोई घटना घटे मर्डर हो पप्पू पाप हो पप्पू हर परिवार की जिंदगी में पप्पू हर गरीब के घर में पप्पू मुस्कुराहट में पप्पू कठिनाई को अम्बेडकर सभी लोग जो बिहार आज पप्पू को देख रहा है कोरोना वायरस में पूरे देश में जब मजदूर को भूख से परेशान कर दिया नरेंद्र मोदी नीति छोड़ दिया पूरे भारत के मजदूरों को पप्पू यादव दो दो हजार बहुत क्लियर हूँ। कोटा से बच्चों को किसने लाया पप्पू शायद सर 750 बस पूना में किसने लिया पप्पू 3000 बस दिल्ली में लेकर के 37,78,000 मजदूर को किसने लाया पप्पू किसने लाया सड़कों पर चल चल करके हर हाथ को पैसा किसने पहुंचाया पप्पू हर घर को राशन किसने दिया पप्पू आपके कर्मा में 3500 मजदूर को एक एक मजदूरों को बस से किसने लाया पप्पू कौन नहीं लड़ा। जब हम आए पटना तो सब लोग भूखे थे पूरे जगह पर खाना फ्री हर जगह पप्पू यादव ने बस फ्री किया तब कहाँ थे नीतीश जी नरेंद्र मोदी तब कहाँ थे ये कांग्रेस के लोग कहाँ थे ये लालू यादव जी के परिवार जब पटना में बाढ़ आया 15 लाख लोगों को अकेला पप्पू यादव ने खाना खिलाया अकेला तब कहाँ थे नीतीश कुमार क्यों घर में सोए रहे अभी 18 दिनों में बाढ़ आया 2 महीने तक पप्पू यादव लौटे नहीं बुलेट पर ट्रैक्टर पर अकेला एक एक 35 लाख परिवार को दोनों टाइम पप्पू यादव ने छपरा में गोपालगंज में सिवान में मुजफ्फरपुर में क्यों पप्पू एनआरसी की लड़ाई 107 सभा अकेले पप्पू ने किया तब मुलायम सिंह कहाँ थे तब लालू यादव कहाँ थे तब क्यों कोई घर से नहीं निकले अकेला पप्पू यादव क्यों लड़ा पूरे मुल्क में शाहीनबाग में पप्पू जामिया में पप्पू अलीगढ़ में शुरू हुआ पप्पू किसने बोला चिंकी बुखार में पप्पू शेल्टर हाउस में पप्पू हर लोगों की आवाज पप्पू कोई ऐसा इंसान हो कह दे कि पप्पू यादव के दरवाजे से लौटा क्यों गुजरा आज भूख सबसे ज्यादा परेशान यदि कोई राज है तो बिहार है आज यदि आरक्षण को समाप्त कर दिया नरेंद्र मोदी जी अब कोई दलित गरीब और पिछले का बेटा रेलवे में नौकरी नहीं करेगा अब कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत पर रेलवे में करीब नहीं चलेगा वो ट्रेन वही रुकेगा जहां पर उसको आमदनी होगी जहां पर पैसे वाले चलेंगे। मोदी जी ने यह हालत कर दी मजदूरों के अधिकार को छीन लिया आते ही किसान 34,000 आत्महत्या कर दिए 1,40,000 यूथ आत्महत्या किया 40 करोड़ लोगों को लोग बेरोजगार कर दिया और अकेला पप्पू लड़ा इससे तब क्यों कोई लालू यादव का परिवार हो ये कांग्रेस नहीं थे तब क्यों था पप्पू यादव हम इसीलिए ये प्रतिज्ञा पत्र लेके आए ये पप्पू यादव आपको गुजरात पसंद है या नालंदा या छपरा आपको अपना बेटा पसंद नहीं है आपका बेटा बेटा नहीं आपको पप्पू पसंद नहीं आपको मोदी है आपको नीतीश लालू जी पसंद पप्पू यादव 2-4 के बाद फिर पर मिलेंगे क्या यह है मेरा सफर पत्र
यह कोर्ट का दस्तखत है कि इसके साथ यह मेरा सफर कोर्ट का दस्तखत है, मेरा दस्तखत है। मैंने कहा हमको 3 साल का वक्त दो, एशिया का नंबर वन बिहार नहीं होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। और आपको मेरे बारे में पता है, छोटी सी घटना घटती है आपके यहाँ पप्पू यादव पहुंच जाते, दर्द किसी को होता है पप्पू यादव पहुंच जाते, किसी की गरीबी पप्पू यादव नहीं देख सकते। फिर क्यों ये लोग, फिर आपका बेटा क्यों, हमको 3 साल का वक्त तक क्यों नहीं देना चाहते, क्या कारण है? अब दे दो, कोई मजदूर का बेटा गरीब का बेटा मजदूरी नहीं करेगा, वो स्कूल में पढ़ेगा और जब तक 18 साल नहीं पूरेगा पप्पू यादव उसके परिवार को 4-4 हजार रुपया देना चाहिए। इंटर के बाद हर गरीब के परिवार को 8 हजार रुपया अकाउंट में देना चाहिए ताकि वो पढ़ाई कर सके, और जब तक वो पढ़ेगा तब तक 8 हजार रुपया पप्पू यादव उसके अकाउंट में डालेगा। कोचिंग फ्री हम करेंगे, एक भी कोचिंग में पैसे नहीं लगेंगे। जो लड़के बच्चे इंटर कर लेगा उसको बेटी को स्कूटी और बेटा को मोटरसाइकिल तुरंत खरीद के पप्पू यादव की सरकार देगा आगे बढ़ने के ताकि वो आगे बढ़ सके। हर परिवार को 2 लाख से 10 लाख रुपया रोजगार करने के लिए, हर फैमिली को 2 लाख से 10 लाख। 3 साल तक हम आपसे पैसा वापस नहीं लेंगे, आप कोई भी बिजनेस करके आप आगे बढ़ जाइए, और 3 साल जब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा तब आप मेरा मूलधन लौटा दीजिएगा, सूद भी पप्पू यादव आपको से लेंगे। 600 रुपये का पेंशन 3 हजार आते ही करेंगे, और वो 3 हजार रुपया 28 तारीख को हर बूढ़ा बूढ़ी के घर तक पहुंच जाएगा। मेरी लड़ाई यहाँ, मेरी लड़ाई है जिस दिन घर में एक बेटी जन्म लेगा गरीब के परिवार में, उसी दिन 1 लाख रुपया उसके उसके फिक्स डिपोजिट कर देंगे ताकि बेटी को कोई दिक्कत नहीं। मेरी लड़ाई सिपाही भर्ती में रिटर्न का एग्जाम आप नहीं होने देंगे, आते ही रिटर्न का एग्जाम समाप्त करेंगे, 8 और 10 क्लास का सर्टिफिकेट देखेंगे, और जैसे ही सर्टिफिकेट होगा फिजिकल का आपको एग्जाम देंगे और आपको सिपाही में भर्ती कर देंगे, रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। ये लड़ाई है, लड़ाई है। एक बेटी अकेले चले और किसी ने छेड़ दिया 12 बजे रात में, मैं आपको वचन देता हूँ या तो मैं जिंदा रहूंगा या छेड़े वाला जिंदा। मेरी लड़ाई, मेरी लड़ाई कटिहार को 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति की है। यदि 3 साल के अंदर कटिहार बाढ़ से मुक्त नहीं हुआ तो समझ लेना पप्पू यादव राजनीति कभी नहीं की। मेरी लड़ाई, हाँ मेरी लड़ाई महानंदा बेसिन, मेरी लड़ाई इस इलाके में मक्का का 3 फैक्ट्री और जूट की फैक्ट्री को दुनिया में सबसे बड़ा बनाने की है। मेरी लड़ाई वहां है, मेरी लड़ाई कटिहार से एक भी गरीब मजदूर को मैं 1 साल के अंदर एक भी गरीब को बाहर जाने नहीं दूंगा, सबको रोजगार नहीं पर देंगे। यह है पप्पू यादव की लड़ाई, आपसे मेरा रिश्ता। मेरी लड़ाई, हाँ मेरी लड़ाई 1 BHQ का पक्का मकान 2 साल के अंदर, जिसको भी झोपड़ी है लैट्रिन बाथरूम किचन सहित 2 साल के अंदर कटिहार में 1 BHQ का पक्का मकान बना करके हम चाबी सुपुर्द कर देंगे, बिना पक्का का कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा। यह है मेरी लड़ाई, मेरी लड़ाई साफ के जी चावल आटा 40 KG चावल, 20 KG आलू, 5 किलो दाल और 5 लीटर तेल बिहार के हर गरीब के घर पहुंचा देंगे ताकि कोई भूखा ना रहे और किसी से भी ना मांग रहे। मैं मान रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे आया हूँ पहले कि क्या आप कब तक दूसरों के लिए, क्या आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव को मौका मिले, क्या आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव यानी सीमांचल के का बेटा एक बार बिहार में बैठे, क्या आपके यूथ को नहीं लगता कि पप्पू यादव बैठेंगे तो आप उनसे मिल सकते हैं रात के 2 बजे रात के 3 बजे, उसके बाद कौन मिलेगा आपसे, कौन मिलता है? आप अभी हाथ देते हैं तो पप्पू रोक देता है, फोन करते हैं तो आपको कॉल बैक करता है, पर मुसीबत में होता है तो आपके लिए पप्पू बात करता है। लेकिन जो लोग आ जाए बाहर से, जो कभी बोलते नहीं, जो कभी किसी घटना में मिलता नहीं, उसको भी फोन देंगे, और जो आपकी सेवा करता है उस पप्पू को आप पहले नहीं लगाए। मैं यही कह दिया है, एक बार कटिहार से मैं चाहता हूं हर यूथ के हर गरीब हिंदू मुसलमान एक बार छोड़ दीजिए, मैं पैर पर करता हूँ आपसे, एक बार अपने लिए पप्पू यादव का DNA गंदा है खराब, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके जेब में 100 रुपया नहीं। मैं किससे गठबंधन करता हूँ,
डकैत को छोड़ से करो, क्योंकि गठबंधन से आपको रोजगार मिलेंगे, आप मजदूरी आपके लिए चले गए, आप बापू आपके लिए कैसे जीना चाहता है, सवाल ये, सवाल मेरे डीएनए का नहीं, सवाल मेरे गठबंधन का नहीं है, सवाल आपके परिवार का, सवाल आपके लाइफ का, सवाल आपके रोजगार का है। यही पप्पू यादव कहेंगे, एक बात का त्याग कीजिए, मैं आपसे आशीर्वाद और दुआ लेने आया, और आपको लगे कि नहीं पप्पू यादव को, पर भरोसा करना चाहिए, बिना एमएलए एमपी के जब पप्पू यादव हर परिवार को पैसा पहुंचाता, कोई मदर होता है तो 50,000 रुपया, कोई बेटी के साथ बलात्कार हो तो 50,000 रुपया, पूरे भारत में सब नेगेटिव हो गया, अकेले पप्पू यादव नेगेटिव था, सब नेता नेगेटिव हो गए, और मैं अकेला नेगेटिव, 70,000 लोगों से नेगेटिव हो गए। इसीलिए यदि भरोसा हो तो राजनीतिक एक्ट में पार दे, भरोसा यदि हो तो दोनों हाथ यदि आप उठा के दिल से देंगे आजाद यदि आपको भरोसा हो तो दोनों हाथ यदि पप्पू यादव के लिए उठाएंगे तो मैं माला करके सबको पिलाऊंगा कि हाँ भरोसा है पप्पू यादव पर, नहीं तो ना भरोसा है। आपको लगता है कि पप्पू यादव डीएम के बदल सकता है, एक बार मैं पैर पकड़ता हूं अपने कठिया की जनता से, एक बार अपना बेटा, एक बार आप अपना भाई, बहुत गर्मी नालंदा और छपरा गुजरात, एक बार अपना भाई, एक बार यही मैं पहन के जा रहा हूं, आपको लगे मैं आपका पैर छोटे प्रणाम करता हूं, आपको खुदा हाफिज करते हुए पुनः एक बार जोर से ताली बजाएंगे तो मैं माना, हाँ सुनिए जिला अध्यक्ष कहा,